नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 24 सितंबर 2019, और यहां पर हम लोग निफ्टी में शामिल फार्मा स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। अगर अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी एनालिसिस और वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए। साथ में कमेंट सेक्शन का बॉक्स ओपन है, आप उसे भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो निफ्टी में शामिल है फार्मा स्टॉक्स, उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो फार्मा स्टॉक्स को पहले हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, फार्मा इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। उसमें यहाँ मैंने लगा लिया फार्मा, कहाँ गया या चलिए, उसमें सबसे पहला स्टॉक है ओरो फार्मा का। देखिए ओरो फार्मा, पहले मैं 200 DA में लगा लेता हूँ, ये लगा लिया 200 DA में। तो औरबिंदो फार्मा के पास अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल, कल भी मैंने बोला था कि ये आपको अच्छा दे सकता है पैसा बना के आज के दिन में, कल इसके पास 635, ठीक है, इसके पास जो एक रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, पहले एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 580-70 है ना, 570 से लेके 580 के बीच एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक स्टॉक रहता है बहुत पॉजिटिव रहता है, यहाँ से बाउंस बैक हमेशा मिलता है 570 से लेके 580 के बीच में। इसके ऊपर जब भी स्टॉक आता है यहाँ पे देखिए सस्टेन करता है और यहाँ से एक बाउंस बैक लेता है। ऊपर के पास स्टॉक्स के पास एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस है लगभग आपका 675 रुपए का, ठीक है, सॉरी 625 रुपए का, 625 रुपए का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस लाइन को इसको पहले ब्रेक करना होगा, नया पोजीशन हम लोग को बनाना है तो 626, 27, 28, 29, 30, यानी 625 से लेके 630 के ऊपर में बना सकते हैं, बीच में बन सकता है 625 से लेके 630 के बीच में। अगर ये निकलता है तो पोजिशनली टारगेट 660 रुपए का आपको देके जाएगा, और अरबिंदो फार्मा 660 रुपए का पोजिशनल टारगेट ये हो सकता है। अगला स्टॉक है बायोकॉन का, तो चलिए बायोकॉन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बायोकॉन, अभी कल भी मैंने फार्मा स्टॉक्स की एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था ये डाउनफॉल ही है, इसका ट्रेंड ही निगेटिव बना हुआ है, तो ये नीचे धीरे धीरे 215 रुपए के आसपास और 210 रुपए के आसपास आने की कोशिश करेगा अभी ये बायोकॉन। ऊपर की तरफ अगर ये 230 को ब्रेक कर देता है, कल भी मैंने ये बात बोला था कि अगर ऊपर ये 230 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये वापस से 240 वाले रेंज में चला जाएगा, लेकिन इसको 230 को ब्रेक करना पड़ेगा तभी, उसके बगैर ये नहीं जा सकता है। अगला स्टॉक है कैडिला। कैडिला के लिए मैंने बोला था कि ये एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, कल वाला अगर आप लोगों ने देखा है फार्मा स्टॉक्स को एनालिसिस को, तो मैंने कहा इस बात को कि ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब स्टॉक्स ने आज ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके का ब्रेकआउट भी दिया, लास्ट टाइम दिया है एक अलग बात है, इसने लास्ट टाइम दिया, लेकिन अच्छा 2.5% का मूवमेंट इसने दिखाया है। अब हमें कम से कम 255 के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए, मैंने कहा था 255 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो फिर 275 तक के टारगेट आपको देने की कोशिश कर सकता है कैडिला, यानी हम नया फ्रेश मूवमेंट कब बनाएंगे, जब ये 255 के ऊपर ट्रेड करेगा तब। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है, वॉल्यूम की थोड़ी कमी है, वॉल्यूम इसको अगर आ जाता है तो ये अच्छा मूवमेंट दे सकता है। याद रखिए 255 के ऊपर निकलेगा 275 का पोजिशनल टारगेट हो जाएगा, और इंट्राडे में आपको 260 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सिप्ला, मैंने कल भी कहा था कि ये स्टॉक्स में हालांकि दूर रही है, नया पोजीशन नहीं बनाना है, स्टॉप लॉस जिनको लगाना है वो लगा सकते हैं, 445 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं 445 के पास। अगर 445 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो फिर 430 का पोजिशनल टारगेट बन जाएगा सिप्ला में। डिवीज लैब स्टॉक्स के लिए मैंने कहा था कि 1650 नहीं, मैंने कहा था 1670 के ऊपर निकलेगा पोजीशन बनेगा, सर 1670 के ऊपर, 1670 के ऊपर अगर निकलता है तो एक टारगेट आपको 1750 तक का देने की ये कोशिश करेगा, लेकिन हमें कम से कम इस लाइन के ऊपर 1670 के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए, तब जाके ये 1750 तक के टारगेट देने की कोशिश संभावना बन सकती है डिविजन लेवल में। अदरवाइज अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में 1600 रुपए को, 1600 को ब्रेक करेगा तो ये वापस से 1560 के लेवल दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी, अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ब्रेकआउट दे रहा है, और आज देखिए इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, 2 दिन पहले भी दिया था लेकिन फिर नीचे आ गया, अब आज फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। अब इसके ऊपर एक क्लोज, एक कल भी अगर इसके ऊपर ये ट्रेड करता रह गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर एक पोजिशनली टारगेट यानी कि 2800 के ऊपर, 2800 के ऊपर अगर ये निकलता है, क्लोजिंग हो गया है 2785 का, हमें 2800 के ऊपर अगर ये 2800 के ऊपर निकलता है तो याद रखिए 2850 का टारगेट बहुत तेजी से आपको देके जाता है डॉक्टर रेड्डी। तो 2850 के ऊपर जब भी निकले 2850 का टारगेट मिलेगा, इंट्राडे में दे देगा, और पोजिशनली टारगेट होगा 2950 तक का डॉक्टर रेड्डी में। अगला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा का। देखिए अभी ग्लेनमार्क फार्मा काफी ज्यादा डाउनफॉल है, और ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे की फॉल दिखा रहा है, यहाँ से एक बाउंस बैक का पॉसिबिलिटी इसको बनती है, एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ये स्टॉक
345 के ऊपर होल्ड कर जाए तब तो अच्छी बात है, अगर ये 345 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर 340 का लेवल आपको ये इंट्राडे में ही दिखा सकता है ग्लेन मार्क। तो इस बात को ध्यान रखिए, ग्लेन मार्क हो सकता है आज मेरे 3 स्टार वीडियो में भी आपको देखने को मिल सकता है। लुपिन, चलिए लुपिन 800 के ऊपर, 800 के जब तक ये 800 के ऊपर नहीं जाएगा मैं इसके ऊपर कोई व्यू नहीं बना सकता। 800 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा, 800 के ऊपर मेरा कोई व्यू इसके ऊपर नहीं बनेगा। 800 के ऊपर निकलेगा 840 का टारगेट बहुत तेजी से देखे जाएगा। पीईएल 2000 के ऊपर पोजिशन बनेगा 2100 के लिए, और 2100 के ऊपर पोजिशन बनेगा 2200 के लिए, इसलिए हम लोग 2000 के ऊपर पोजिशन बनाएंगे। अभी ये मूवमेंट दे रहा है, देने दीजिए, 2000 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तब फिर हम लोग इसमें पोजिशन बनाएंगे 2100 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा आज मेरा टारगेट सारा अचीव कर दिया, मैंने आप लोगों को सन फार्मा दिया हुआ था अपने वेबसाइट पे, यानी टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों जगह पे, तो सन फार्मा ने आज टारगेट अचीव कर दिया, आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अगर यहाँ से सन फार्मा वापस अगर बाउंस बैक करता है, यानी कि 430 के ऊपर निकलता है, अगर कल ये 430 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, या जब भी निकले 430 के ऊपर, नया पोजिशन पोजिशनली हम लोग 430 के ऊपर बनाएंगे 460 के टारगेट के लिए। इंट्राडे में छोटे मूवमेंट अगर कैच करना हो तो आज के हाई के ऊपर, यानी 420 के ऊपर अगर निकलता है तो 25 तक का टारगेट देगा, आपको निकल जाना पड़ेगा, छोटे टारगेट लेके निकलने पड़ेंगे। पोजिशनली 460 तक का टारगेट हो सकता है। एक स्टॉक और है स्ट्राइड्स फार्मा दोस्तों, उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हालांकि वो निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में नहीं है शामिल, पर मैं इसको रखता हूँ। देखिए बिल्कुल ग्लेनमार्क फार्मा और ये स्टार फार्मा, कल मैंने स्टार के लिए बोला था कि ये धीरे धीरे 335 के लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा, आज इसने जो लो लगाया है 341 का लो लगाया, यानी लगभग इसको टच कर चुका है। अब यहाँ से लास्ट टाइम है इसको बाउंस बैक करने का, अगर ये बाउंस बैक कर जाता है यहाँ से तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर ये 335 को नीचे ब्रेक करेगा तो फिर बहुत तेज फॉल आएगा इसमें, जो कि इसका बहुत पुराना सपोर्ट है। आप देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पर से बार बार बाउंस बैक लेता है इस लाइन से, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 330 320 तक के लेवल आपको बहुत तेजी से स्ट्राइड फार्मा दिखाएगा, यहाँ से एक बाउंस बैक इसको मिल भी सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा इसमें फार्मा स्टॉक्स में व्यू, अगर पसंद आता है तो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।